बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 6.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने 6.2 के प्रीवियस तमाम क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया। अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर आसानी ले सकते हैं। वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अब तक जितने लेक्चर हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स वहां पर मौजूद हैं, आप वहां जाकर बेआसानी जो लेक्चर चाहें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 to 13 हमने क्या करना है जी, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन, यानी कि जो ऑपरेशन दरमियान में दिया गया हो जैसे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, इसको हमने परफॉर्म करना है एंड सिंप्लीफाई टू द लोवेस्ट फॉर्म, और लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना मतलब कटिंग करनी है जहाँ होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। देखें जी क्वेश्चन नंबर 9, अब टू फ्रैक्शन के दरमियान में जो हमारे पास सिंबल है वो है मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पर हम एलसीएम नहीं लेंगे, कटिंग करेंगे। अब कटिंग करने से पहले देखें हमने बनाने होंगे फैक्टर, तो हम इनको जो है इन तमाम के फैक्टर फॉर्म में इनको कन्वर्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। एक्स स्क्वायर अब माइनस प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, ठीक है जी, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। मिड टर्म को आपने इस तरीके से ब्रेक करना है, प्लस माइनस करें तो मिड टर्म आनी चाहिए और मल्टीप्लाई जो है फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है जी। अब देखें एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक करें जी, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। अब देखें जी एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम स्क्वायर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन चुकी है, वो फार्मूला ओपन करेंगे। अब डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे। इसके बाद देखें जी मज़ीद, अब फर्स्ट टू टर्म में एक्स कॉमन है, यहाँ पर एक्स बचेगा, सेकंड टर्म में हमारे पास प्लस 3, नेक्स्ट टू टर्म में हमारे पास माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 3 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर फैक्टर देखें जी एक्स प्लस 3 सेम है, अब डिनोमिनेटर में भी ऐसे फर्स्ट टर्म में एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 3, अब यहाँ पर प्लस 2 कॉमन है जी, रिमाइंडर फैक्टर हमारे पास एक्स माइनस 3 बचेगा। मल्टीप्लाई अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है जी। अब ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। मज़ीद हम इसको सिंपलीफाई करेंगे जी, अब एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 इन दोनों में कॉमन है तो एक्स प्लस 3 कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टर्म में एक्स कॉमन, सॉरी रिमाइंडर, और सेकंड टर्म में माइनस 2 रिमाइंडर। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास एक्स माइनस 3 कॉमन, फर्स्ट टर्म में एक्स रिमाइंडर और सेकंड टर्म में प्लस 2 रिमाइंडर। मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। अब यहाँ पर क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है तो कटिंग हम कर सकते हैं, तो कटिंग करेंगे, एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कैंसिल, ठीक है जी। उसके बाद एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कैंसिल, ठीक है जी, और कटिंग नहीं हो रही। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। देख रहे हैं एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा ओवर एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3, इसका भी होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, कटिंग करने से पहले फैक्टराइज करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 8, अब देखें जी फर्स्ट टर्म क्यूब के फॉर्म में है तो सेकंड टर्म को भी हम क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं 8 2 का क्यूब है तो राइट करेंगे एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब ओवर, अब फर्स्ट टर्म स्क्वायर की फॉर्म में है तो
तो सेकंड टर्म भी हम स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। मल्टीप्लाई, ये हमारे पास है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। और अब इसकी हम मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही राइट कर देंगे। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, तो इसकी भी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है जी, अब देखें जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि एक्स माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर। ए हमारे पास एक्स है, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। बी स्क्वायर, बी हमारे पास है जी 2, तो हमारे पास बी का स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा, ये प्लस आएगा। उसके बाद ए बी प्लस ए बी। ठीक है जी, अब उसके बाद देखें जी, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। मल्टीप्लाई, अब फर्स्ट टर्म में एक्स का मन है जी, एक्स का मन आ जाएगा, एक्स प्लस 4 रिमाइंडर फैक्टर। सेकंड टू टर्म में 2 का मन है, एक्स प्लस 4 रिमाइंडर फैक्टर। अब डिनोमिनेटर में एक्स का मन, रिमाइंडर फैक्टर, फर्स्ट टर्म में हमारे पास एक्स, सेकंड टर्म में माइनस 1, सेकंड टू टर्म में माइनस 1 कॉमन, एक्स माइनस 1। ठीक है जी, अब इसके बाद देखें जी, इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब मज़ीद सॉल्व करने से पहले देखें जी, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 से कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर देंगे। अब रिमाइंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स वाली वैल्यू आप पहले राइट कर दें, ओवर एक्स प्लस 2। मल्टीप्लाई, अब देखें जी, एक्स प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट टर्म में एक्स, सेकंड टर्म में प्लस 2, ओवर एक्स माइनस 1 कॉमन, फर्स्ट टर्म में एक्स, सेकंड टर्म में माइनस 1। अब यहाँ पर देखें जी, अगर कटिंग हो रही है तो कटिंग करेंगे, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 से कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी जी वो एक्स प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसे आप आगे पीछे राइट कर सकते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई करें तो होल का स्क्वायर आ जाएगा, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखें जी, इसमें हम सबसे पहले फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखें जी, हमारे पास जो है एक्स की पावर 4 है, तो क्यूब वाला फार्मूला हमारे पास है और स्क्वायर वाला, लेकिन 4 वाला नहीं है। अब यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 8। अब देखें, क्यूब वाला फार्मूला यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। अब डिनोमिनेटर में देखें जी, डिनोमिनेटर में हमारे पास है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 2x स्क्वायर। अब मिड टर्म हमारे पास 5x है और फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट माइनस 6x स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे, तो हमारे पास जिसका प्रोडक्ट जो है फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। कि अगर हम प्लस 6x माइनस एक्स लें तो उसको प्लस करें तो हमारे पास प्लस 5x आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई, 2x माइनस 1 ओवर, ये भी हमारे पास जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसके फैक्टर हम नहीं बना सकते, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 3। अब देखें जी, इन दोनों में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, कॉमन लेंगे जी, एक्स कॉमन आ रहा है यहाँ पर, एक्स कॉमन आ गया,
एक्स माइनस टू। अब उसके बाद दें मज़ीद देखें जी, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एक्स क्यूब, एट को हम लिखेंगे टू का क्यूब ओवर फर्स्ट टू टर्म में टू एक्स कॉमन है जी, तब फर्स्ट टर्म में एक्स, सेकंड टर्म में प्लस थ्री और इन दोनों में माइनस वन कॉमन है, एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई टू एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री। अब एक्स माइनस टू, ठीक है जी। अब देखिए मज़ीद हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास टू है, ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर फोर आ जाएगा प्लस ए बी यानी कि टू एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ओवर एक्स प्लस थ्री कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट टर्म में रिमाइंडर टू एक्स, सेकेंड टर्म में माइनस वन मल्टीप्लाई टू एक्स माइनस वन एज इट इज़, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस टू। देखें तमाम वैल्यूज जो है फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब देखें जहाँ पर कटिंग हो रही है तो कटिंग करेंगे, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर इससे ये कैंसिल, टू एक्स माइनस वन टू एक्स माइनस वन से कैंसिल, एक्स प्लस थ्री से कैंसिल। अब देखें जी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू जब कैंसिल हो तो हमारे पास आंसर आता है वन, अगर प्लस माइनस में कैंसिलेशन हो तो आंसर आएगा ज़ीरो, तो इसका वन आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 समझ आ गया होगा, समझ आया तो लाइक और शेयर करें। इसी तरीके से प्रॉपर तमाम लेक्चर